चुड़ैल चंद्रिका की अब उम्र हो चली थी, इसलिए वो चुड़ैलों की रानी को प्रसन्न करने के लिए बहुत तंत्र मंत्र कर रही थी। और फिर एक दिन चुड़ैलों की रानी प्रकट होती है। चंद्रिका, क्या हुआ? तुमने मुझे क्यों याद किया? रानी माँ, मेरी उम्र बढ़ रही है, मुझे अपनी उम्र को कम करना है। रानी माँ, कुछ कीजिए। इसका बस एक ही उपाय है, तुम्हें जादुई लहंगा पहनकर 7 बार विवाह करना होगा। जैसे ही तुम पहला विवाह करके अपने पति को मार दोगी, उसकी सारी उम्र तुम्हें मिल जाएगी, और 7 बार मारकर तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगी। फिर तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा। आप सच कह रही है रानी माँ, फिर तो ये लहंगा मुझे दे दीजिए, मैं अपने शिकार की तलाश में निकल जाती हूँ। इस लहंगे को बहुत संभाल कर रखना चंद्रिका, क्योंकि तुम जानती हो ये लहंगा हमने कैसे पाया था। जैसे ही तुम्हारा कार्य पूरा हो जाए, हमें ये लहंगा वापस कर देना। मैं जानती हूँ रानी माँ, मैं इस लहंगे को बहुत संभाल कर रखूंगी, और जैसे ही मेरा कार्य पूरा होगा मैं इसे आपको लौटा दूंगी। मैं अपने शिकार के लिए जाती हूँ रानी माँ, आज्ञा दीजिए। चुड़ैलों की रानी से चंद्रिका लहंगा ले लेती है। उस लहंगे में ऐसा जादू था कि जिसे पहनते ही चंद्रिका चुड़ैल से एक सुंदर लड़की के रूप में आ जाती थी, जिसे देखकर कोई भी लड़का शादी के लिए मना ही नहीं कर सकता था। और ऐसा ही हुआ, चंद्रिका ने अपने शिकार फंसाने शुरू कर दिए। चंद्रिका जादुई लहंगे को पहनकर एक सड़क पर रोती हुई जाती है, ताकि कोई लड़का उसकी आवाज को सुनकर रुक सके। और ऐसा ही हुआ, सड़क से आशीष नाम का एक लड़का अपनी कार से जा रहा था। चंद्रिका लहंगे में बिल्कुल एक दुल्हन की तरह लग रही थी। आशीष ने अपनी कार को रोका और उससे पूछा, क्या हुआ, आपको कोई परेशानी है? आपको देखकर लग रहा है आप किसी से बचकर भाग रही हैं। एक बदमाश जबरदस्ती मुझसे शादी करना चाहता था, उसने मेरे पिता को भी मार दिया। मुझे बचा लीजिए, मुझे उस बदमाश के साथ नहीं जाना। कोई बात नहीं, तुम घबराओ नहीं, मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं शहर की तरफ ही जा रहा हूँ, वहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। आशीष नाम का वो लड़का चंद्रिका के रूप पर मोहित हो जाता है। अब तक चंद्रिका उसे अपना नाम बता चुकी थी, वो उसे बार बार देखकर मुस्कुरा रही थी, मानो उसने आशीष को सम्मोहित कर दिया हो। चंद्रिका रोने का नाटक करती है, अब मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा कोई नहीं है, मुझसे कौन शादी करेगा? अगर मेरी आज शादी नहीं हुई तो वो बदमाश मुझे उठाकर ले जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो नहीं चंद्रिका, मैं तुमसे अभी शादी करूंगा, यहीं पास में एक मंदिर है, हम दोनों वहीं चलते हैं। नहीं नहीं, मंदिर में नहीं, कहीं वो मंदिर में भी ना पहुंच जाए। अगर तुम बुरा न मानो तो हम अभी इसी वक्त शादी कर सकते हैं। ये देखो, मेरे पास सिंदूर की डिब्बी है। चंद्रिका, तुम बहुत सुंदर हो, तुमसे तो कोई भी शादी कर सकता है। आशीष चंद्रिका की मांग में सिंदूर भर देता है। अब वो उसकी पत्नी बन चुकी थी, जैसा कि वो चाहती थी। कुछ घंटों बाद आशीष चंद्रिका को लेकर घर पहुंचता है। आशीष शहर में अकेला रहता था, उसके मम्मी पापा दूसरे शहर में रहते थे। आशीष अकेला था, इसलिए चंद्रिका को मौका मिल गया। जैसे ही आशीष उसके पास आता है, वो अपने असली रूप में आ जाती है। चंद्रिका को चुड़ैल के रूप में देखकर आशीष डर जाता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चंद्रिका आशीष की गर्दन में अपने पंजे घुसा देती है। आशीष मर जाता है और उसकी सारी उम्र चंद्रिका के अंदर आ जाती है, और चंद्रिका जवान हो जाती है। अब मुझे दूसरे शिकार की तलाश करनी होगी, ऐसे ही मैं अपने सातों शिकार फंसा कर उन्हें मार दूंगी और शक्तिशाली चुड़ैल बनकर अमर हो जाऊंगी। चंद्रिका सोने के जादुई लहंगे को पहनकर अपने शिकार को मारती रही। धीरे धीरे उसने 5 शिकार मार दिए, और अब वो अपने 6ठे शिकार की तलाश में थी। अब तक जितने भी लोग मारे गए हैं, उन्हें देखकर यही पता चलता है कि कोई ना कोई नई नवेली दुल्हन इन्हें मारती है, पर लूटपाट के लिए तो यह हत्या नहीं की गई। फिर आखिर दुल्हन को क्या चाहिए? किसी ने दुल्हन का औलिया देखा था? कोई उसके परिवार के लोगों के साथ में था? इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे को वो रात के अंधेरे में सुनसान सड़क पर मिली थी, बहुत परेशान थी वो, और उसे आज ही शादी करनी थी। बस इतना ही पता है, उसने एक सोने का लहंगा पहन रखा था। मुझे शक भी हुआ कि एक मजबूर लड़की सोने का लहंगा कैसे पहन सकती है, पर फिर मेरे बेटे ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। और सुबह जब मैं कमरे में गई तो देखा मेरे बेटे की लाश बिस्तर पर पड़ी है, उसकी गर्दन पर पंजों के निशान है। हो ना हो इंस्पेक्टर साहब, वो कोई औरत नहीं, कोई चुड़ैल है। सर, मुझे तो लगता है कि ये उसी दुल्हन का काम है जिसने पहले भी काफी जगह दुल्हों को शादी के बाद मारा है। तभी इंस्पेक्टर अर्जुन के मोबाइल पर एक फोन आता है। हेलो, कौन? चेतन, क्या हुआ? चेतन, तेरी आवाज इतनी दर्द भरी क्यों है? अर्जुन, मेरे दोस्त, मेरे साथ धोखा हुआ है। वो चुड़ैल सोने के लहंगे में, वो चुड़ैल उसने उसने मेरे साथ धोखे से
शादी की और मुझे मार मार चेतन चेतन हेलो, मैं उस सोने के लहंगे वाले चुड़ैल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इंस्पेक्टर अर्जुन अपने दोस्त चेतन के घर पहुंचता है। चेतन की माँ का रो रो कर बुरा हाल था, तभी वहाँ पर एक बहुत ही बूढ़े तांत्रिक बाबा आते हैं। बेटा, इससे पहले कि चुड़ैल चंद्रिका अपना सातवां और आखिरी शिकार मार दे, उससे पहले ही तुम्हें उसे पकड़ना होगा। आप कौन है महाराज? बेटा, मैं चंद्रिका का पिता हूँ। चंद्रिका को शुरू से ही काली शक्तियों और मंत्रों के साथ खेलने की आदत थी। वो बचपन से ही गलत कार्य कर रही थी। कई बार मेरे टोकने पर भी उसने मेरी बात नहीं सुनी और एक दिन उसने एक निर्दोष बच्चे को मारना चाहा। मजबूरन मुझे अपनी शक्तियों से चंद्रिका को समाप्त करना पड़ा। चंद्रिका चुड़ैल बनकर चुड़ैलों की रानी माया के साथ मिल गई और एक दिन जब मैं घर पर नहीं था तो पीछे से चंद्रिका चुड़ैलों की रानी माया के साथ घर आई। चंद्रिका की माँ ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, पर चंद्रिका एक बेटी नहीं थी, वो तो एक चुड़ैल बन गई थी। उसने मेरी पत्नी को यानी अपनी माँ को भी मार दिया और जादुई लहंगा उठाकर ले गई। तब से मैं चंद्रिका की तलाश में हूँ। जब मुझे पता चला कि वो इस तरह शादी करके दूल्हों को मार रही है तो मैं समझ गया कि अवश्य ही वो उस लहंगे का दुरुपयोग कर रही है। चंद्रिका अब सातवें शिकार की तलाश में है। वो अमर हो जाएगी, उसकी शक्तियां बढ़ जाएंगी, फिर उसे मारना असंभव है। उसे रोक लो बेटा। पर मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ? उसे रोकने के लिए तुम्हें जाल बिछाना होगा ताकि समय पर वहां पहुंचकर मैं मंत्रों की सहायता से चंद्रिका को खत्म कर दूं। अर्जुन चंद्रिका की तलाश में उसी सड़क पर जाता है जहां उसका दोस्त चेतन मारा गया था। रात हो चुकी थी। अर्जुन जानबूझकर अपनी गाड़ी धीरे चला रहा था ताकि चंद्रिका खुद उसके पास आ जाए। तभी अर्जुन देखता है कि लहंगे के अंदर सजी संवरी चंद्रिका घबराई हुई वहां आती है। अर्जुन का तीर निशाने पर लग चुका था। अरे कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो कोई दुल्हन दिखाई देती हो, क्या कोई परेशानी है? मुझसे कहो। मेरे माता पिता को मारकर एक बदमाश मुझसे जबरन शादी करना चाहता है। मैं किसी तरह अपनी जान बचा कर आई हूँ। मुझे अपनी गाड़ी में थोड़ी सी जगह दे दो, वो बदमाश मेरा पीछा कर रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, आओ जल्दी से मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। अरे तुम अभी भी क्यों रो रही हो? मैं इसलिए रो रही हूँ कि अब मैं अपने गाँव से भागी हूँ। मेरी बहुत बदनामी हो गई, अब मुझसे कौन शादी करेगा? मैं कहाँ जाऊँगी, मैं कहाँ रहूँगी? चिंता मत करो, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हें तो बहुत लड़के मिल जाएंगे जो तुमसे शादी करना चाहेंगे। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे शादी अभी और इसी वक्त कर सकता हूँ। सच? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये देखो मेरे पास सिंदूर की डिब्बी है, हमें किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। तुम अभी के अभी मुझसे शादी कर सकते हो, मैं तभी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगी। बस इतनी सी बात, ये लो हो गई हमारी शादी। अर्जुन चंद्रिका को लेकर घर आ जाता है। चंद्रिका जाओ तुम कपड़े चेंज कर लो, इतना भारी लहंगा पहना हुआ है, इसमें तुम थक गई होगी। मैं तुम्हें माँ की साड़ी दे देता हूँ, तुम वो पहन लो। नहीं नहीं, मैं ये लहंगा नहीं उतार सकती, मैं इसमें तुम्हें सुंदर नहीं लग रही। देखो देखो तो, ये तो सोने का लहंगा है, कितना सुंदर है। मैं इस लहंगे को सुबह ही उतारूंगी, मुझे बहुत नींद आ रही है। चलो ना अंदर कमरे में चलते हैं। अरे इतनी जल्दी भी क्या है, अभी सबको आने तो दो, तभी तो अंदर जाएंगे। मैं कुछ समझी नहीं, सब मतलब? तभी चंद्रिका के पिता और बाकी सब लोग वहां आ जाते हैं। अर्जुन की माँ भी वहीं मौजूद थी। चंद्रिका, तेरा अंत करने के लिए ही ये सब जाल बिछाया गया था, तू इस धरती के लायक नहीं है, जा मैं तुझे मुक्ति देता हूँ, अपने लोग चली जा। पिताजी नहीं। चंद्रिका के पिता की आंखों में आंसू थे। चंद्रिका लहंगे के साथ ही खत्म हो जाती है और उसके साथ साथ चुड़ैलों की रानी और बाकी सब चुड़ैलों का भी अंत हो जाता है। अर्जुन को अफसोस था कि उसका इतना प्यारा दोस्त आज उसके साथ नहीं था, पर उसे तसल्ली थी कि उसने अपने दोस्त की कातिल उस चुड़ैल को खत्म कर दिया था। मीरा देखने में बहुत खास नहीं थी, रंग से सांवली और शरीर से भी भरी भरी, लेकिन फिर भी वो एक मशहूर मॉडल बनना चाहती थी। सुंदर सी ड्रेस पहनकर एक बड़े से स्टेज पर रैंप वॉक करना उसका बचपन का सपना था, इसलिए अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर वो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहती थी। मीरा देख, मेरे मानने या ना मानने से कुछ नहीं होने वाला, तू क्या करेगी ये तो तेरे पापा ही तय करेंगे ना। हाँ मम्मी, तभी तो मैं आपको समझा रही हूँ ताकि आप पापा को समझा सको। मम्मी फैशन डिजाइनिंग में बहुत स्कोप है और आपको तो पता ही है ना कि मैं एक मॉडल बनना चाहती हूँ, तो अगर फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर लूंगी तो मैं आसानी से एक अच्छी मॉडल बन सकती हूँ।
नहीं मीरा, तुम चाहे जो कर लो, एक मॉडल ना तो तुम बन सकती हो और ना ही हम तुम्हें बनने देंगे। तुम पढ़ने में इतनी अच्छी हो तो क्यों इस बेकार के प्रोफेशन में अपना समय और भविष्य बर्बाद करना चाहती हो, और वो भी कॉलेज की पढ़ाई को बीच में छोड़कर? लेकिन पापा मुझे। मीरा, मुझे और बहस नहीं चाहिए। तुम्हारे लिए क्या अच्छा है ये हम तुमसे बेहतर जानते हैं। देखो बेटा, हम तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहते, पर अब तुम्हें आईना दिखाना बहुत जरूरी है। तुम्हें याद है कि हमने तुम्हारी जिद पर तुम्हें कॉलेज के फैशन शो में हिस्सा लेने दिया था। क्या हुआ उसके बाद, याद है ना तुम्हें? सब लोग कैसे तुम पर हंस रहे थे, और वैसे भी ये प्रोफेशनल कोर्सेस कितने महंगे होते हैं, तुम्हें पता भी है? बेटा, मैं तुम्हें सिर्फ कॉलेज भेज सकता हूँ, इससे ज्यादा मेरी हैसियत नहीं है, तो इस मसले पर बहस की गुंजाइश नहीं। चलो अब जाकर पढ़ाई करो, और हाँ, जरा मुझे आज का अखबार लाकर देना। मीरा कुछ नहीं कह सकी, वो चुपचाप वहां से चली गई और उस दिन का अखबार लेकर अपने पिता के पास जाने लगी। तभी उसकी नजर अखबार में छपे एक इश्तेहार पर पड़ी। अरे, ये तो मशहूर फैशन डिजाइनर सुगम कपूर हैं, उन्हें मॉडल की जरूरत है, मुझे यहाँ जाना चाहिए, शायद कुछ बात बन जाए। मीरा उस एड वाले पेज को अपने पास रख लेती है। फिर अगले दिन वो उसी फैशन हाउस में पहुंच जाती है। वहां सब कुछ मीरा के लिए एक सपने जैसा था। हर तरफ एक से एक सुंदर ड्रेसेस और एक से एक खूबसूरत मॉडल्स वहां पर मौजूद थे। मीरा इस सब में खोई गई थी कि तभी, हे यू, क्या काम है, किससे मिलना है तुम्हें? जी जी, मुझे सुगम सर से मिलना है। सुगम सर इस शहर के सबसे मशहूर फैशन डिजाइनर है, और तुम्हें क्या लगता है वो यूं ही किसी से भी मिल लेंगे? मैं उनकी मैनेजर हूँ, मुझे बताओ क्या काम है उनसे। वो मैम, मैं ये एडवर्टीजमेंट देख कर आई हूँ, मैं एक मॉडल बनना चाहती हूँ। क्या क्या कहा, मॉडल और तुम? सच बताओ, क्या यहाँ आने से पहले आईना देखा था तुमने? सुगम सर को अपने ब्रांड न्यू लहंगा कलेक्शन के लिए मॉडल चाहिए, एक ऐसी मॉडल चाहिए उन्हें जो उनके डिजाइन किए हुए लहंगे को पहनकर बिल्कुल एक परी जैसी दिखे। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? जी जी, मैं समझ गई। तो मुझे यहाँ कोई और काम मिल सकता है क्या मैडम, प्लीज? अच्छा, वैसे यहाँ साफ सफाई के लिए किसी की जरूरत है तो सही, लेकिन तुम? मैं कर लूंगी, बहुत अच्छे से करूंगी मैं, प्लीज मुझे ये काम दे दीजिए। मीरा किसी भी हाल में उस फैशन हाउस से जुड़ना चाहती थी, इसके लिए वो वहाँ साफ सफाई के काम के लिए भी तैयार हो गई। वो अगले ही दिन से उस फैशन हाउस में साफ सफाई के लिए जाने लगी। घर पर उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया। वो कॉलेज जाने के लिए घर से निकलती, लेकिन पहले उस फैशन हाउस में आकर साफ सफाई करती और फिर उसके बाद कॉलेज जाती। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन, अरे वाह, ये कितना सुंदर लहंगा है, लगता है जरूर ये लहंगा सुगम सर के नए कलेक्शन में से है, काश मैं इसे एक बार पहनकर देख पाती। वैसे यहाँ सबसे पहले तो मैं ही आती हूँ साफ सफाई के लिए, मेरे जाने के बाद ही सब आते हैं। एक बार चुपचाप पहनकर देख लूंगी तो किसी को पता नहीं चलेगा। मीरा ने ये तो बिल्कुल सही अंदाजा लगाया था कि वो लहंगा सुगम कपूर के लेटेस्ट कलेक्शन में से था, लेकिन उसका ये अंदाजा गलत था कि उस वक्त उस फैशन हाउस में उसे देखने वाला कोई नहीं था। ये शायद उसकी खराब किस्मत ही थी कि उस दिन खुद सुगम कपूर वहां मौजूद था। उसका लेटेस्ट कलेक्शन जल्द ही लॉन्च होने वाला था, तो वो खुद सारी तैयारियों को देखने के लिए वहां आया हुआ था और इत्तेफाक से एक रात पहले वहीं अपने केबिन में रुका हुआ था। मीरा जैसे ही वो लहंगा पहनकर आईने के सामने आई तो सुगम कपूर ने उसे सीसीटीवी कैमरे की मॉनिटरिंग स्क्रीन पर देख लिया। वो फौरन अपने केबिन से बाहर निकलकर मीरा के पास आया और गुस्से से बोला, हे, कौन हो तुम और तुमने किससे पूछकर इस लहंगे को हाथ लगाया? सुगम कपूर भले ही मीरा को नहीं जानता था, लेकिन मीरा उसे अच्छी तरह से पहचानती थी। वो सुगम कपूर को देखते ही जैसे एक बुद्ध बन गई थी। तुमसे पूछ रहा हूँ मैं, कौन हो तुम, जल्दी बताओ वरना मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाता हूँ। नहीं रुकिए सर, मेरा नाम मीरा है, मैं यहाँ आपके फैशन हाउस में ही काम करती हूँ। क्या, यहाँ काम करती हो? तो फिर आज से पहले मैंने तुम्हें कभी यहाँ देखा क्यों नहीं? जी सर, मैं यहाँ साफ सफाई का काम करती हूँ और करीब 15 दिन पहले ही मैंने यहाँ ज्वाइन, मेरा मतलब है काम शुरू किया है। मुझे
निशी मैडम ने अपॉइंट, मेरा मतलब है कि निशी मैडम ने काम पर रखा था मुझे। ओके, अगर ऐसा है तो जरा समझाओगी कि ये लहंगा क्यों पहना है तुमने? क्या इसे पहनकर साफ सफाई करोगी तुम? इसे हाथ लगाने से पहले पूछा तुमने किसी से? आई एम रियली वेरी सॉरी सर, वो दरअसल बात यह कि मैं हमेशा से आपसे मिलना चाहती थी। मैं एक मॉडल बनना चाहती हूँ सर, और यहाँ आई भी इसीलिए थी। लेकिन लेकिन क्या मॉडल नहीं बन सकी तो झाड़ू पोछा करने लगी? व्हाट नॉनसेंस, ये सब बातें मेरे सामने मत बनाओ तुम। आई नो तुम यहाँ मेरा कलेक्शन चुराने के लिए आई हो। बताओ मुझे, मेरे किस राइवल ने भेजा तुम्हें यहाँ चोरी करने? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा यकीन कीजिए। मैं तो बस यहाँ रहकर सीखना चाहती थी। ये देखिए सर, मैंने खुद एक लहंगा भी डिजाइन किया है। इतना कहकर सुगम कपूर की तरफ एक कागज बढ़ाती है जिसमें मीरा ने खुद एक बहुत सुंदर लहंगा डिजाइन किया हुआ था। लेकिन सुगम कपूर उसके डिजाइन पर नजर तक नहीं डालता और गुस्से में उससे कहता है, अच्छा तो तुझे लगता है कि तू जो कहेगी वो मैं मान लूंगा? हाँ देख, तू जैसी दिखती है ना, उस हिसाब से मॉडलिंग को तो तू भूल ही जा। आई हैव मैनी मोर गुड ऑप्शंस देन यू। जहां तक रही बात फैशन डिजाइनिंग की, तो उसके लिए भी मुझे तेरी जरूरत तो नहीं है। अब इससे पहले कि मैं पुलिस को फोन करके यहाँ बुलवाऊं, तू यहाँ से गायब हो जा। और हाँ, तेरे जाने से पहले ये लहंगा इसकी जगह पर होना चाहिए, समझी ना? एक बात और, फिर कभी तेरी ये बेकार शक्ल मेरे फैशन हाउस के आसपास भी नहीं दिखनी चाहिए, समझी ना? मीरा फौरन जाकर अपने कपड़े बदलती है और उस लहंगे को सही सलामत उसकी जगह पर रखने के बाद वो सुगम कपूर के फैशन हाउस से बाहर आ जाती है। उसके सारे सपने एक बार फिर बिखर गए थे। वो आंखों में आंसू लिए अपने बनाए हुए लहंगे के डिजाइन को देख रही थी। तभी अचानक एक करिश्मा हुआ। उसके आंसू जैसे ही उस डिजाइन वाले कागज पर पड़े तो वहाँ एक तेज रोशनी चमकी, जिसके साथ वो लहंगे का डिजाइन एक असली लहंगे में बदल गया। वो हूबहू वैसा ही था जैसा कि मीरा ने कागज पर बनाया था। ये देखकर मीरा चौंक गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल वैसा ही लहंगा है जैसा मैंने मन में सोचा था डिजाइन बनाने से पहले। ये तो जादू है। मीरा उस लहंगे को सबकी नजरों से बचाकर अपने घर लेकर जाती है और फिर अकेले में उस लहंगे को पहनकर देखती है। उस लहंगे को पहनते ही मीरा एक सुंदर मॉडल बन जाती है। एकदम गोरी चिट्टी, स्लिम ट्रिम और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी वो। ये तो कमाल हो गया। मैं इतनी स्लिम और मेरा चेहरा ये भी कितना चमक रहा है। ये जादू कैसे हुआ मीरा नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी अब वो बहुत खुश थी। उसने तुरंत ही लहंगे में अपनी कुछ फोटोज क्लिक करके ऑनलाइन अपलोड कर दी। देखते ही देखते उसकी फोटो ट्रेंड करने लगी और कई फैशन डिजाइनर मॉडलिंग के लिए खुद उसे अप्रोच करने लगे, जिनमें से सुगम कपूर भी एक था। वो खुद मीरा से मिलने उसके घर आ पहुंचा। हेलो, दिस इज सुगम कपूर, द फेमस फैशन डिजाइनर। कांग्रेचुलेशन, आप तो सबकी चहेती बन गई हैं। देखिए, आप जितनी मशहूर हैं, उतना ही मशहूर मेरा ब्रांड भी है। तो अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो कमाल कर सकते हैं। जी, आई एम रियली वेरी सॉरी, बट मुझे आपका कलेक्शन कुछ खास पसंद नहीं आया, इसलिए मैं आपके लिए मॉडलिंग नहीं कर पाऊंगी। क्या, बट ये कैसे कह सकती हैं आप? आपने अभी मेरे डिजाइन्स देखे ही कहाँ हैं? मैंने आपका मेन डिजाइन देखा भी है और उसे पहना भी है। शायद आप उस दिन को भूल गए हैं, लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकती जब आपने मेरी बेइज्जती की थी। मेरे चेहरे और रंग रूप का मजाक उड़ाया था आपने। तब मैं आपके साथ काम करने के लिए बेताब थी, लेकिन आपको मैं लायक नहीं लगती थी। कुदरत का करिश्मा देखिए सर, हम आज भी साथ काम नहीं कर सकते, बिकॉज नाउ आई हैव मोर बेटर ऑप्शंस देन यू। इतना कहकर मीरा ने सुगम कपूर को अपने घर का मेन दरवाजा दिखा दिया, जिसका मतलब साफ था। सुगम कपूर बाहर तो आ गया, लेकिन उसकी आंखों में अब गुरूर की जगह पछतावा साफ दिखाई दे रहा था।